हमें पागल ही समझ रही है सरकार बिल्कुल। परिवार को जहर दे दे दया करने लगे, दया दया दया। बीजेपी के सांसद ने भेजो डॉक्टर के और दवाई दबाओ, इनके दिमाग की हालत सही ना है, बकल लगे गाय के नहीं। हम डॉक्टर बहुत जोर के हैं, अगर हम दिमाग नहीं लगा रहे तो हमें तुम भी बहकाओ, दो महीना से बहका ही रही हो, सरकार कह रही हो, सरकार कह रही हो, रोज बहकाओ। कौन सी धारा है जिसमें जेल भेजोगे, कौन सी धारा लगाओगे मेरे ऊपर बताओ तो? गाय की 4400 हम पे 288 है अपनी, तो आईना मीडिया नहीं दिखा पाई, वो आईना हम दिखा रहे हैं। अरे अर्णब गोस्वामी के दिन ही खुद खराब आ गए, पूछ रही हो जाके फोन आ रहा हूँ वो बहुत कना डाते, ले जाओ मेरे फोन। अगर अन्न खाते तो हमारे संग है, जो अन्न ना खाते हो संग मत रही हो, तुम भी मत रही हो। तो फिर आरएसएस के स्कूल में पढ़े हम जाके, सुनो मोदी जी की तो चिंता हमें है, ये आदमी है बीमारी से हट जाए, अब उनके बस की काम करना ना है। पता नहीं मीडिया क्या कहे, तो कौन सी दिशा में लेके जा रही है हमें, और लोकतंत्र की भारत में खुशबू भी नहीं है। मेरी बात बुरी लगे, तुम भक्के आओ बुड्ढे से ले लो जो कुछ ले लो, पागल घूम रहे हम पढ़े लिखे ना। तो किसानों के सबसे बड़े प्रवक्ता बिल्लू ताऊ देश नहीं पूरी दुनिया में फेमस हैं। पहले दिन से कह रहे थे कि सरकार को तो हम झुका के छोड़ेंगे, सरकार झुक गई, 1.5 साल के लिए मामला सस्पेंड, अब मान जाइए। सस्पेंड क्या हो भैया? बिल 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 सस्पेंड रहेगा 1.5 साल के लिए। तुम्हें जानकारी है 1.5 साल में कितने, 18 महीना हूँ, 15 महीना में यूपी को चुनाव में बढ़ जाएगा। हमें पागल ही समझ रही है सरकार बिल्कुल। होल्ड करो, अपने काम में निकालो, फिर आगे को चलो, अपने ही फॉर्मूला ने ढूंढ दे रहे हैं ये। सस्पेंड क्या हो भाई? अच्छा ये यूपी चुनाव के लिए, और क्या है, और क्या है, तुम्हें ना पता? आप लोग के मन में मोदी शाह के लिए एक पैसा का दया नहीं है, आप दया कैसे आएगी? इन्होंने 7 साल दिखाई के नहीं है, दया करिए, जो हम दया करें, हम ही दयावान बन जाए। इन बालकन ने जहर दे दी, परिवार को जहर दे दी, दया करने लगे, दया दया दया। तुम भी दया के पात्र हुआ बन के आगे मसीहा के जाओ, या बुढ़े बकरियों ही दया दे देगो। 2 महीना से इन्हें हम पे दया आई है, इन्हें दया आई है हम पे 2 महीना से, 2 महीना से हम भूखे प्यासे पड़े हैं, हम पे दया आई है। पिकनिक मना रहे हैं आप लोग, काहे की पिकनिक है यहाँ, काहे की पिकनिक है भाई? बीजेपी के एक सांसद ने कहा है कि आप लोग 47 लेके घूम रहे हैं। बीजेपी के सांसद ने भेजो डॉक्टर के और दवाई दबाओ, इकट्ठे करो सब, इनके दिमाग की हालत सही ना है, कुछ भी बकल लगे काहे के नहीं। 24 को योगी जी आ रहे हैं यहाँ, तो आन दो हमारे ढिंग, हमारे ढिंग आ रहे हैं यहाँ, हमारे ढिंग आ रहे हैं। ये आइडिया जिसने भी दिया 18 महीने का, उसको तो कम से कम शाबाशी मिलनी चाहिए। किसने दियो है? बगे बगे चाणक बैठे हैं वहाँ ज्ञान बांटने को, 15 महीना में यूपी को चुनाव के लिए हो जाए, 18 महीना की टॉफी दे दो इन्हें, पागल है हम। नब्ज कैसे पकड़ लेते हैं? हाँ ऐसे ही पकड़ ले, हम डॉक्टर बहुत जोर के हैं, इलाज ना, हम डॉक्टर बहुत जोर के हैं, अगर हम दिमाग नहीं लगा रहे तो हमें तुम भी बहकाओ, 2 महीना से बहका ही रही हो, सरकार कह रही हो, सरकार कह रही हो, रोज बहकाओ। लेकिन अगर दिमाग लगा लेंगे तो हमें कम दिमाग ना भैया, जेल ठोस देगी, काहे के जेल जाएंगे, लोकतांत्रिक व्यवस्था है, टोपी शाही शासन ना देश में, कि जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार के नहीं, जनता कुछ बोलेगी तो जेल चली जाएगी। कौन से उसमें भेजोगे, कौन सा क्रोश लगाओगे, कौन सी धारा है जिसमें जेल भेजोगे तुम, कौन सी धारा लगाओगे मेरे ऊपर बताओ तुम, इन किसानों के ऊपर कौन सी धारा लगाओगे? 144 काहे की 44 हो, 100 हम पे 288 है अपनी, हम पे धारा 288 है अपनी। आप लोग मोदी शाह को धमकी दे रहे हैं, धमकी नहीं दे रहे, सच्चाई बता रहे हैं, आईना दिखा रहे हैं, जो आईना मीडिया नहीं दिखा पाई वो आईना हम दिखा रहे हैं। अर्णब गोस्वामी तो उनके साथ है। अरे अर्णब गोस्वामी के दिन ही खुद खराब आ गए, पूछ रही हो जाके, अब देखता है भारत, पूछता है भारत नहीं रहेगा, अब देखता है भारत होगी, देखता भारत होगी, देखना जाके। तो ये क्या लग रहा है, पहले सरकार बात नहीं कर रही थी, अब 18 महीना दे रहा है, अब मतलब अब तो आप लोग जिद, मीडिया वाला कह रहा है किसान जिद्दी है। को क्या मतलब यार, एग्रीकल्चर सेक्टर देश को सबसे बड़ा सेक्टर है, अरे इस सेक्टर के लिए कानून चुप चुप बनाओगे तुम चुप चुप कानून बनाओगे, किसने कही है तुम चुप चुप यार, एक पटाखे बेचने को कानून भी चुप चुप नहीं बनते हो। कहाँ से फोन आ रहा है, मंत्रालय से? ये चौधरी महेंद्र सिंह चौरौली को फोन है, भारतीय किसान यूनियन के वो है, वो बुला रहे हैं चोरों भाई, ये बता दे कोई भी यूनियन को, फोन आ रहा हूँ वो बहुत कना डाते, ले जाओ मेरे फोन। बड़ी तैयारी चल रही है आपको निपटाने की, किसकी? आपको अगले वो निपटा के कहा करेंगे, ये कहा करेंगे वो निपटा के, मेरे जैसे 1000 बिल्लू फिर खड़े हो जाएंगे, क्या करेंगे, कितने देर मारेंगे, निपटाने की तैयारी चल रही है। तुम धमकी दे रहे हो सरकार की लंगते, आप लोग एक मिनट पीछे घोटो भाई दौड़ दोगे, सरकार के वकील बनकर मुझे धमकी दे रहे हैं, बोलो आप योगी जी के खिलाफ साजिश कर रहे हैं, काहे की साजिश कर रहे हैं, हम साजिश कर रहे हैं, हलाका आदमी है हम साजिश कर रहे हैं,
भारत को किसान किसी के लिए साजिश नहीं करते, अन्न उगा के पेट भरे। और जितने भी लोग भारत में अगर अन्न खाते हैं तो वो हमारे संग है, और जो अन्न ना खाते हो संग मत नहीं हो, तुम भी मत नहीं हो। अन्न खाने वाला हर व्यक्ति हमारे साथ है, जो अन्न खाएगा वो हमारे साथ रहेगा। टीवी मीडिया तो नहीं है, तो तुम अन्न ना खाते होगे, वायु पीन लगो। मोदी समर्थक तो नहीं है? अरे भैया वायु पीन लगे वो, और हमारे हमारे अन्न आज ही छोड़ दे। आरएसएस तो नहीं आपके साथ? अरे भैया हमारे अन्न छोड़ दे, क्यों खाते हैं हमारा? आरएसएस के बड़े नेता ने कहा है कि ये आंदोलन समाज के लिए अच्छा नहीं है, ये समाज को बिगाड़ रहा है। तो फिर आरएसएस के स्कूल में पढ़े हम जाके? हम यहाँ आंदोलन छोड़ के आते दिल्ली से और आरएसएस की यूनिवर्सिटी में पकड़े जाएं? तो आप लोग यूपी में मंदिर बनाने के लिए चंदा अभियान चल रहा है, आप लोग यहाँ को रोटी ना आए हम पे चंदा और ला, तुम भीख मांगने आ गए हमारे? भीख मांग लो आप कट्टर, 490 रुपया 70 पैसा मेरे खाते में, वो मैं चंदा ना है, मेरे खाते ही खत्म होने वाले। आप कट्टर हिंदू नहीं है? कौन के हिंदू ना? धर्म खतरे में, पहले धर्म बचा। मैं सनातनी हूँ, सनातन को मानने वाला हूँ मैं। तो धर्म खतरे में है? कहाँ को खतरे में? वो तांडव फिल्म बना रहा है, उसका विरोध कीजिए। अरे भैया मेरी बात सुनो, कोई फिल्म बनाओ तुम, बना लो या कैमरा ले जाके फिल्म, मैं ना तो फिल्म बनाऊँ ना मैं कोई एक्टर। तो पहले मोदी जी की चिंता, सरकार की चिंता, तांडव फिल्म है उससे समाज बिगड़ रहा है। मेरी बात सुनो, मोदी जी की तो चिंता हमें है, बुढ़े आदमी है, बीमारी से हट जाए अलग, अब उनके बस की काम करना ना है। हमें उन पे आ रहा तर्स, या उम्र में काम ना हो करे, या नींद तो आवे ना, या उम्र में आदमी करवट बदले। एक एंकर तो कह रही थी कि आप इतना काम करते कौन सा टॉनिक लेते हैं, आप कह रहे हैं कौन कौन में? रूबिका लियाकत एक एंकर है, कह रही मोदी जी के लिए कि टॉनिक ले। अरे भैया वो ठीक है, अपने विचार दे रही होगी, मेरे बातें कोई मतलब ना, मेरे मतलब ये है कि 70 साल में आदमी भैया करवट बदले, नींद ना आवे। हमारे घर में बड़े बूढ़े रोज देखे हैं, 24-18 घंटा काम करते हैं वो, बुढ़ापे में नींद ना आवे, वह जगने भी काम में जोड़ोगे तुम? आदमी नींद आई ना रही, वहां जगने भी काम में जोड़ दो, बेकार की बात है यार तुम्हारी। योगी जी पर भी भरोसा नहीं है? काय को भरोसा करें, का करें यार। एक बात बताओ तुम क्या करे हो? अच्छा पहले काम क्या करो? 18 महीना रुक जाइए, चंदा वसूल लीजिए, मंदिर भव्य बन जाएगा, उसके बाद फिर जमीन। ये कह रहा हूँ मंदिर खूब बनाओ, मेरी बात सुन, सुन हमारी बात, हम पे ना तो चंदा, हम अपने बालकन ने कैसे कैसे पार रहे हैं, हम लोगों की किसानन की फीस ना जा रही, बालकन की भी, हम पे चंदा ना भैया काई को, हम पे अपने काम। बात मीडिया वाले को क्यों नहीं समझ में आ रही? वो तो कह रहा है कि आप लोग आयोजन कर रहे हैं, तफरी कर रहे हैं, मजा कर रहे हैं, पिकनिक मना रहे हैं। कौन कौन कह रहा है? सारा चैनल कह रहा है काय की पिकनिक मन रही है, का है पिकनिक? पिज्जा बर्गर खा रहे हैं आप लोग यहाँ तो, सलफाज बटवा दो लाके। भाई एक चाय बेचने वाले व्यक्ति को इस देश की जनता प्रधानमंत्री बना सके, देश सौंप सके कि भैया देश चला है, एक बिना फैमिली वाले आदमी को स्टेट दे सके, यार बिना फैमिली वाले को कोई रेंट पे मकान तो दे ही ना। हमारी वो बर्गर भी अटक रहे, दो रोटी भी अटक रहे। आप लोग को ट्रंप के हराने में भी आप लोग की साजिश है, मोदी जी का दोस्त ट्रंप हार गया, आप लोग खुशियां मना रहे हैं। मेरी बात सुनो ना, तो ट्रंप से मैं मिलो ना जानू, टेलीविजन पे देखो ट्रंप मेरे आगे आ जा, मैं पहचान भी ना पाऊंगा। अरे मोदी जी के राज में तो भारत की एक बेटी अमेरिका में उपराष्ट्रपति बन गई, अब तो खुश रहिए। तो वो अपनी वोटन से बनी है, मोदी जी ने वोट गिरी वहां जाके, तुम यार नहीं बात लाते हो, पता नहीं मीडिया क्या कौन सी दिशा में लेके जा रही है हमें। मोदी जी कहते हैं वहां के चुनाव देखे, कहां मोदी जी ने वोट गिरी वहां, वोटर ने मोदी वोट ना गिरा लेकिन प्रचार तो किए थे। आगे प्रचार करे, दूसरे देश को आदमी दूसरे देश में प्रचार करे, हम सबसे बढ़िया लोकतंत्र व्यवस्था है अमेरिका के अंदर, और लोकतंत्र की भारत में खुशबू भी नहीं है। अरे वैक्सीन बना दिया मोदी जी, अब तो मान करो वैक्सीन करो ना, है मेरी बात सुनो, जिस दिन एक डीएम के कार्यालय में आम आदमी जाके ये कहेगा कि मिस्टर मेरा 3 दिन से काम पेंडिंग है आपने नहीं किया, जब समझना लोकतंत्र अभी तो खुशबू भी ना मेरे भाई, और तुम भी काम ठीक ना कर रहे। तुम ठीक काम करते तो हम यहाँ काय को आते, विपक्ष सही होता तो हम यहाँ काय को आते, तुम्हें मेरी बात बुरी लगे, तुम भक्के आओ बुढ़े से ले लो जो कुछ ले लो, मतलब मीडिया को क्या करना चाहिए? मीडिया चौथा खंबा है और सरकार की आवाज को जन जन तक पहुंचाने का काम मीडिया करती है। मीडिया अपने धर्म से भटक गई, मैं ये नहीं कह रहा तुम भटक गए, लेकिन कुछ मीडिया, आधी मीडिया, पर्दी मीडिया, जो बढ़िया मीडिया है, फकीरें आज हम दिखा रही है। लेकिन मोदी जी तो राष्ट्रभक्त हैं, सबसे बड़े राष्ट्रभक्त हैं। हम गद्दार हैं, जब ये खड़े का देशद्रोही हैं यहाँ। मोदी जी इंडिया, इंडिया इज मोदी,
तुम मोदी के वकील हो? हम राष्ट्रभक्त हैं। कौन से? तो हम कौन से हैं? हम राष्ट्रभक्त ना दिखाई दे रहे हैं? मोदी जी के खिलाफ और राष्ट्रद्रोही। जो मोदी जी के खिलाफ वो राष्ट्रद्रोही। हाँ। तो भैया तू हम पे धारा लगवा सब, हम राष्ट्रद्रोही। जेल तो जाएंगे आप लोग। हम चले जाएंगे, कहा है वो यार अटल बिहारी वाजपेयी 8 महीना कुछ दिन जेल में रहे, देश के प्रधानमंत्री बने। अमित शाह ने अब तो कह दिया कि बिल से आप माला माल हो जाएंगे, आप लोग को समझ नहीं आ रही? नहीं तो 70 साल की आजादी में पहली बार भारत की सरकार किसान को कुछ दे रही है, और किसान लेना नहीं चाह रहे, क्यों दे रहे हो भैया तुम? क्योंकि आप लोग पढ़े लिखे नहीं है। कौन से? जितने नेता पढ़े लिखे हैं वाते पढ़े लिखे वो, अरे एक मिनट सुनो, जितने ये नेता पढ़े लिखे हैं वाते पढ़े लिखे बालक हमारे अंगोला कर रहे हैं गामन में। सही बात है, हमें मस्से गाँव ज्ञान की भाषा, यहाँ पढ़े लिखे ना आए, हम पागल घूम रहे हैं, हम पढ़े लिखे ना आए तो नहीं है पढ़े लिखे आप लोग। कैसे हो? आपको बहकाया गया है। किसान होने को मतलब ये कि वो बेकार आदमी है। आप लोग को बहकाया गया है कांग्रेस के द्वारा। कांग्रेस के द्वारा? हाँ। हमें कौन बहका लेगो? हम ना कांग्रेस के स्कूल में पढ़े ना इनके में पढ़े, हमारा स्कूल अलग है। क्या करिएगा आप, क्या रास्ता है? काय को रास्ता, कागज फाड़ो, हम अपने घर को चले। MSP को पक्की करो, स्वामीनाथन को आयोग की रिपोर्ट को लागू करो। ना हुआ तो होगा, ना होने को तो हमारी डिक्शनरी में ना है, हमारी डिक्शनरी में, हमारी डिक्शनरी में नहीं है। नहीं सुनो, देखो 20-25 लाख किसान दिल्ली के आसपास है, देश में लोकतंत्र की सरकार चल रही है, जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार, और जनता सरकार कह रही है कि होगा और होगा और होगा और हट का होगा, मिटो मिटो का होगा। तो ये है किसानों का उत्साह। 100 से ज्यादा किसानों की मौत हो चुकी है। सरकार ने 18 महीने का एक प्रपोजल दिया था, अब यूपी के किसान कह रहे हैं कि भैया ये यूपी चुनाव को देखते हुए, 15 महीने बाद यूपी का चुनाव है, सरकार 18 महीने की गोली दे रही है। ये है किसानों की राजनीतिक समझ। चौधरी चरण सिंह कहते थे जिस दिन इस देश में किसानों की एक नज़र खेत में और दूसरी नज़र संसद पर होगी ये देश बेहतर होगा। पहली बार 30 सालों में किसान वही कर रहे हैं, उनको राजनीति भी समझ में आ रही है, आंदोलन भी समझ में आ रहा है, संविधान भी समझ में आ रहा है, और जो सबसे मजबूत सरकार कही जा रही थी वो सरकार अब धीरे धीरे घुटनों पर आने लगी है। सुप्रीम कोर्ट ने भी हाथ खड़े कर दिए हैं। ये है इस देश में लोकतंत्र और किसानों की ताकत। आपकी क्या प्रतिक्रिया है? क्या किसान हठधर्मी हैं या अपने अधिकार के लिए लड़ रहे हैं? आपकी प्रतिक्रिया बहुत ज़रूरी है। कैमरान आशीष के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, गाजीपुर बॉर्डर, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।